एचएनएलएम का एक कॉन्सेप्ट है, किसी ने पूछा है, वापस से बता देता हूँ मैं आपको। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ सर, आ रही है। ये वेज है, ये और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, इस पर पुली है और एक रॉप इसके ऊपर आती हुई जिससे ब्लॉक कनेक्टेड है और ये रॉप यहाँ कनेक्टेड है। ये वर्टिकल वॉल है, ये ब्लॉक ए है, ये वेज बी है। हमें यहाँ इनका एक्सेलरेशन चाहिए, मान लो दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड वेज बी। दोनों का मास मान लिया हमने एम एम है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो होगा क्या है एक्चुअल में, इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, एम जी लग रहा है। ये एम जी का एक कंपोनेंट क्या करना चाहेगा, इसको ऐसे खींचना चाहेगा इधर, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल भी होगा यहाँ। ये जो नॉर्मल है, इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या चाहेगा, इसको पुश करना चाहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है, ये जो वेज है, ये वेज क्या करेगा, मूव करेगा। तो क्या करेगा, ये इधर की तरफ जाना चाहेगा ऐसे। ऐसे जाना चाहेगा, तो ब्लॉक भी, ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, ब्लॉक यहाँ कहीं होगा, मान लो किसी टाइम बाद यहाँ ब्लॉक पहुंचा होगा, तो ब्लॉक ऐसे जाना चाहेगा, ये रोप से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो कि वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है ऐसे, है ना, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर कहीं चल रहा है, देखो ये। तो मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन करवाया था, वेज के ऊपर एक ब्लॉक था, वो क्वेश्चन किया था। तो मैंने क्या कहा था, जो ब्लॉक वेज के ऊपर रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन वेज के रिस्पेक्ट में मानना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे हम लोग। तो ये पता चल रहा है कि ये ब्लॉक इधर की तरफ, यानी ये वेज इधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं बी एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो फिर ये जो ब्लॉक है, ये इधर की तरफ मान लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका एक्सेलरेशन ए मान लेंगे, ठीक है। इसका फिगर में एक और बना देता हूं, तो यहाँ इस बी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और इसका एक्सेलरेशन यानी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, जो कि मैंने मान लिया कि ए है। अब यहाँ कंस्टेंट भी लगाएंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कंस्टेंट की जब हम बात करेंगे, तो ये लेंथ हमेशा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इंक्रीज करेगी, और ये इसके अलोंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो फिक्स है ना। तो पहले कंस्टेंट ही लगा लेते हैं। तो कंस्टेंट के लिए क्या करेंगे, इसका एबीडी बना लेते हैं। यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा,
ये एंगल थीटा है, यहाँ टी होगा और यहाँ टी होगा, और ये ब्लॉक यहाँ है, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। तो ये तो इधर जा ही रहा है बी से, लेकिन ये लेंथ जो इंक्रीज करेगी वो इसकी वजह से इंक्रीज कर रही है, ए ए बी इक्वल टू ए से, है ना। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है ए का, ये तो बेस के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है ए का, यानी ए का बी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ए है। तो यहाँ भी ये टी होगा, यहाँ भी टी होगा। तो आप यहाँ देखो, मैंने कहा था कि जब स्ट्रिंग रोटेट नहीं करती है तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा यूज कर सकते हो, समीशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप देख रहे हो ये तो फिक्स है, ये तो जीरो हो गया ना। प्लस यहाँ देखो, ये इधर की तरफ जा रहा है, कितने से जा रहा है, बी से। क्या लिखोगे, टी इंटू बी ना। लेकिन जब आप इसका लिखने जाओगे तो इसको क्या मानोगे, आप बेस को क्या मानोगे, रेस्ट पे मानोगे, तो इसका क्या लेना है आपको फिर। ये मैंने कहा था कि ये टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू इसका जीरो लेना है, इसका जीरो लेंगे, फिर इसका क्या लिखेंगे, माइनस टी इंटू ए इक्वल टू जीरो, यानी ए इक्वल टू बी हो गया ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब आप ए का लिखोगे तो ए के रेस्पेक्ट में तो वेज रेस्ट पर आ जाएगा, जब ए की बात करेंगे तो बी, क्योंकि ए की जब बात करें तो बी क्या हो रहा है, यहाँ रेस्ट पर आ रहा है, यानी वेज क्या आ रहा है, रेस्ट पर आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में तो ए की बात कर रहे हैं, तो फिर ये वाला कंपोनेंट का क्या लेना है आपको, जीरो लेना है। ये मैंने आपको बताया था। अब अपने को तो एक इक्वेशन मिली अभी, तो क्या करेंगे, वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एफ बी डी ऑफ वेज, यानी ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये एंगल थीटा है, इसको इधर की तरफ टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, इसको नॉर्मल लग रहा है, बस यही फोर्स है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट अपने को आता ही है, क्योंकि ये एंगल कितना मिलेगा, क्योंकि एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा होने की वजह से नॉर्मल का ये जो कंपोनेंट है इधर क्या हो जाएगा, ये एन साइन थीटा। उसी तरह इसको रिजोल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा है तो इसका क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा। तो नेट फोर्स उस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, क्योंकि ये बी एक्सेलरेशन से जा रहा उधर, तो टी माइनस टी कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम इन टू बी, इक्वेशन नंबर टू। फिर बात करते हैं ब्लॉक की, तो ब्लॉक का तो बी के रेस्पेक्ट में चले जाते हैं, तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए विद रेस्पेक्ट टू वेस, यानी विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी को तो यानी क्या करेंगे, रोक देंगे। जब इसको रोक देंगे इसके रेस्पेक्ट में, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये तो बात ही मत करो, तो पुली उली सब लगा हुआ है, छोड़ दो उसको, तो है ना, इसको इधर की तरफ टी लगी रहा होगा, हमें तो ये चाहिए। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देख तो शूडो फोर्स इधर लग रहा होगा एम इन टू बी, क्योंकि इसका मास भी एम है, एक नॉर्मल जो कि है तो रियल फोर्स है, एक टी भी तो लग रहा है इधर, वो भी रियल फोर्स है, और डाउनवर्ड एम जी लग रहा है, तो इसका मूवमेंट तो इसके अलोंग होगा, तो सबको इसके अलोंग रिजोल्व कर लेंगे, और इसके अलोंग रिजोल्व कर लेंगे तो सारी ये वाले तो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ एम जी कॉस थीटा, और इधर ये क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ये एंगल थीटा है, तो ये इसका कंपोनेंट क्या मिलेगा, एम बी साइन थीटा, और इधर क्या मिलेगा इस डायरेक्शन में, एम बी कॉस थीटा। तो ये तो इस डायरेक्शन में आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, इसके रेस्पेक्ट में तो क्या लिखोगे आप, एम बी कॉस थीटा
प्लस एम जी साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर थ्री। और ये सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, यानी बैलेंस होने चाहिए। मतलब एम बी साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फोर। चार इक्वेशन क्यों मिली, क्योंकि चार अननोन है, ए बी टी और एन, इसलिए चार इक्वेशन हमारे पास में। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना होता है, लिख लो इसको। हो गया सर, लिखे नीचे। हेलो सर। हाँ बोलो सर। वो जिस पॉइंट का टी डॉट ए जीरो लिया है, उसके साइड वाले का भी तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो रेस्ट पे आ जाएगा। कौन सा? नहीं नहीं वो नहीं, वो तो जा ही रहा है ना भाई। अल्टीमेटली इस ये वो किसकी वजह से कम रहा, फिर इसका भी तो देखना पड़ेगा ना। ये कम भी तो हो रहा है ना यहाँ, क्योंकि इसका जब आप लिखोगे ना ए का, उसी के तो रेस्पेक्ट में जाके आप ए का लिख रहे हो, क्योंकि ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो इधर, या ऐसे समझ सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, आप ये देखो कि जब ये पास जाएगा तो ये लेंथ क्या हो रही, कम हो रही कि नहीं हो रही? ये वाली लेंथ कम होगी तो मानते हो आप? तो अगर ये लेंथ कम हो रही तो कहीं तो बढ़ रही होगी लेंथ। इसका मतलब है कि इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेंथ बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि टोटल लेंथ कॉन्स्टेंट है, तो कहीं से अगर डिक्रीज करे तो कहीं से इंक्रीज कर रही होगी, ये भी समझ सकते हो आप। लेकिन यहाँ जो लेंथ इंक्रीज कर रही है, वो एक्सेलरेशन बी के रेस्पेक्ट में जब ए का होगा उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ इंक्रीज कर रही है, आप पैसे भी समझ लो। नहीं समझे? नहीं सर भाई। अरे इतना तो कॉमन सेंस होगा है ना भाई। एक ये ये लेंथ है, टोटल लेंथ इस रोप की है, ये कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये यहाँ से डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब यहाँ से इंक्रीज कर रही होगी ना बेटा ये। अगर मान लो यहाँ चले गए तो ये यहाँ से इसका मतलब इंक्रीज कर रही होगी ना, ऐसा समझ लो। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो भाई, टोटल लेंथ तो कॉन्स्टेंट हो गया तो मानते हो, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग माना हमने, तो कहीं से डिक्रीज कर तो कहीं से तो इंक्रीज कर रही है, तो चलो उससे भी समझ लेते हैं। इसका अल्टरनेट भी बताता हूं मैं, देखो जैसे ये भी मान लो यहां था है ना ब्लॉक। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मान लो ये पुली यहां पहुंच गई, तो अब रोप तो इसके पास इतनी रह गई। अब ये रोप देखो आप, ये रोप बड़ी कि नहीं बड़ी, देखो ना आप। पहले इस इंक्लाइन प्लेन पर तो ये लेंथ कितनी लेंथ हुआ करते थे इंक्लाइन प्लेन पर, अभी ये लेंथ देखो इतनी बढ़ गई ना इंक्लाइन प्लेन पर। किसकी वजह से बढ़ी, यानी इसका अगर ए है और ये बी है, तो यानी इसका जो एक्सेलरेशन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसकी वजह से तो इंक्रीज हुई ना एक तरह से, और ये बी से इधर जा रहा, वैसे समझ लो आप, समझना चाहो तो।
इसका मतलब तब भी a इक्वल टू b आ जाएगा, क्योंकि जितना जिस रेट से ये लेंथ डिक्रीज करेगी उसी रेट से तो ये लेंथ बढ़ेगी ना, क्योंकि टोटल लेंथ को कांस्टेंट रखना है। नहीं समझे अभी भी? हाँ सर समझ में आ गया। तो ऐसे करना है, लिख ले। अब जैसे कल का एक एग्जांपल था फ्रिक्शन का, एग्जाम्पल 25, ये फिर से समझाता हूं मैं, फिर आज टू ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो। देखो हो क्या रहा है यहाँ कि ये ब्लॉक है, और ये रॉप है, और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि पहले जब तक वो स्लाइड नहीं करना चाहेगा तब तक, मतलब पहले फ्रिक्शन आएगा बाद में टेंशन आएगा, कॉन्सेप्ट ये। क्योंकि जब तक वो स्लाइड करके, आप खुद ही देखो, जब तक वो स्लाइड नहीं करेगा तब तक टेंशन आ ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल इस पर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसने दिया है कि म्यू एस है। ओके, तो अब इस केस में क्या रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर फोर्स एफ इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड फ्रॉम जीरो, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एफ एंड टी इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पहला केस मैंने लिया कि क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या जो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो क्या होती है, वो म्यू एस एन होता है। अगर इसका आप एफबीडी बनाओगे, इसको नॉर्मल वर्टिकल लग रहा है, डाउनवर्ड इसको एमजी लग रहा है। तो नॉर्मल नॉर्मल की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल है, एमजी के, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो है म्यू एस एमजी। ये चलो कैपिटल एम इसने लिया तो कैपिटल एम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास कैपिटल एम है, ये मैक्सिमम है। अब आप यहां देखो, अगर आपने एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाया, तो आप यहां देखोगे टेंशन क्या मिलेगा आपको पूरे टाइम तक, जीरो ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम वैल्यू भी लगा देते हो तब भी ये स्लाइड नहीं करेगा, है ना, तब तक ये क्या करेगा, फोर्स एक तरह से ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो आपने एफ की वैल्यू गड़ देन म्यू एस एम जी लगाया, तो ये ब्लॉक क्या चाहेगा, एक तरह से स्लाइड करना चाहेगा। तो जब ये स्लाइड करना चाहेगा, लेकिन स्लाइड तो कर नहीं सकता क्योंकि वो तो उससे रॉप से बंधा हुआ है, तो फिर क्या करेगा, ये टेंशन इसको बैलेंस करना चाहेगा, और पीछे क्या जाएगा, ये तो म्यू एस एम जी और इधर एफ है, लेकिन ब्लॉक तो अभी भी रेस्ट पर ही है क्योंकि पीछे रॉप से बंधा हुआ है। तो अब इसमें लेकिन टेंशन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स की वैल्यू आपने ग्रेटर देन म्यू एस एम जी लगा रखी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एफ इक्वल टू होगा टी प्लस म्यू एस एम जी। हमें तो टेंशन और इसकी बात करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, एफ माइनस म्यू एस एम जी, यानी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये क्या होगा, एक तरह से वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी, ऐसी इक्वेशन हो गई। इसका ग्राफ नहीं बना सकते आप लोग, लेकिन कब, जब कंडीशन क्या होगी, ये इसका मतलब है कि ये एफ है और ये टी है, तो यहां से यहां तक
और यहाँ तो ये एफ इक्वल टू जीरो, यहाँ तक तो कोई टेंशन होगा ही नहीं, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप देखो क्या कह रहा है, उसको डिफरेंशिएट करो आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन आ रहा है ना, वन मतलब टेन थीटा, याद आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री बना रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। अब अगर पुराना भूल गए हो तो बेटा फिर काई क्या कर रहे हो फिर आप, अगर पुरानी चीजें हम जो पढ़ते हैं अगर सब भूल जाएं तो मतलब ही नहीं रहा फिर तो पढ़ने का, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है मालूम है, क्योंकि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता अब तो, क्योंकि पुराना तो हमें पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जिनको चीजें याद है, तो इस तरह से करेंगे, लिख लो आप लोग, ठीक है। लिख लिया? यस सर, हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में है हमारे पास में, टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम, वैसे टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, कितने भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मेन है इसमें कॉन्सेप्ट समझना, एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे हम लोग इसमें, अभी जितने भी क्वेश्चन करूँगा सब एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, क्योंकि इसमें मान लो कि ये ब्लॉक है, इसका मास कैपिटल एम है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, अभी मैं बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जीरो मान रहा हूँ, और इस यहाँ ए और बी के बीच में म्यू के भी आपको दिया है, म्यू एस भी आपको दिया हुआ है, ए और बी के बीच की बात कर रहे हैं अभी, तुम बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है जीरो, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, अभी हम लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, हमें इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है ना, कि ये साथ में चले, क्या चले, साथ में चले, तो फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट these two blocks always move together. Find the maximum value of force F so that these two blocks always move together. ये हमारे पास में है, तो सबसे पहले ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, वो निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू इस केस में अगर आप देखो, एफबीडी बनाओ इसका ए का,
है ना, तो एफ बी डी ऑफ ए, तो यहाँ आप देखोगे कि वर्टिकल में क्या है, यहाँ नॉर्मल है और डाउनवर्ड क्या है, यहाँ एम जी है, तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ क्या होगी इस केस में, एम जी होगी। तो इस केस में ये फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू एस एम जी आ जाएगा। इसका मतलब ए बी के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अरे बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम है, पहले तो क्लियर कर लो ये क्या है, मैक्सिमम है, क्लियर। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, साथ में चले, उसके करस्पॉन्डिंग एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये जो एफ है, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों साथ में चल रहे हैं, और अगर नहीं सुनना है आज, तो आज ही क्या करना है, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, इसको 10 बार देखना है, भले 10 घंटे लगे या 20 घंटे लगे, कॉन्सेप्ट को समझ के उठिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है ना, तो बार बार आप देखोगे आपको पकड़ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, अगर नहीं सुन में आया तो। ऐसे तो मैं अभी कहीं ढेर सारे क्वेश्चन लूंगा तो कुछ ना कुछ तो जाएगा दिमाग में। तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, साथ में चल रहे होंगे ना, क्या लिखोगे आप, एफ इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आप यहां देखो ब्लॉक ए आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, लॉजिक लगाओ, भाई ब्लॉक ए आगे जा रहा है तो इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पहले बी को देखो आप, बी पर फोर्स लगाया तो बी की टेंडेंसी किधर है जाने की, राइट साइड में जाने की है ना, अगर बी की टेंडेंसी राइट साइड में जाने की तो इसको फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इसकी मोशन को अपोज करना चाहिए तो लेफ्ट में लगना चाहिए, तो फिर ब्लॉक ए को किधर लगना चाहिए, आगे की ओर लगना चाहिए, तो वो फ्रिक्शन ही तो है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, तभी तो इसका एक्सेलरेशन आगे आया है। तो एफ इक्वल टू एम भी ध्यान में रखना है, तो फोर्स आपने बी पर लगाया है उसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो फिर ब्लॉक बी को फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, तो फिर ए को किधर लगेगा, आगे, वही तो फोर्स है जो इसको ऊपर वाले ब्लॉक को आगे लेके जा रहा है, ये बात समझ में आई, यस सर। अब यहां देखो कि इसका मतलब भी एफ आगे लेके जा रहा है, तो एफ इक्वल टू एम ए तो लिखोगे, हमें तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लिया है इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एफ मैक्स होता है कि नहीं होता है, जो कि ए बी के बीच का जो मैक्स है उसकी बात कर रहे हैं, यानी एम ए लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए हमारे पास में, ये आना चाहिए म्यू एस एम जी, ये है ना, तो ए, और यहाँ देखो एम से तो एम कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस एम लेस देन म्यू एस इंटू जी, यानी एफ लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, म्यू एस जी एम प्लस एम, यानी एफ की, तो देर फोर एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस जी एम प्लस एम, यानी ये वैल्यू आना चाहिए, ये लिख लो पहले, फिर और समझाता हूँ मैं आगे का।
लिख लिया क्या? यस सर लिख लिया। एक सेकंड, ये भी लिख लो सब, ठीक है। और अभी अब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ करके दिखाता हूँ मैं। ये तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज
पता नहीं बीच बीच में क्या प्रॉब्लम है, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है, अभी आ रही है। हाँ मैं कहाँ तक पहुंच गया था, कहाँ तक समझा देता आपको? ये क्वेश्चन समझ में आए जो एग्जाम्पल लिया मैंने? नहीं सर। देखो मैं क्या क्या कि ये ब्लॉक, दो ब्लॉक हमने लिए हुए है ना, दोनों ब्लॉक का मास अपने को दिया हुआ, एक का 2 kg का 4 kg है। यहाँ अपने को म्यू के और म्यू एस भी मैंने ले लिया, और जी की वैल्यू 10 m/s² ले लिया। हमने 24 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है। हमें क्या चाहिए? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी, एंड ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। मैंने सबसे पहले क्या क्या ए बी के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो जाएगी? म्यू एस एन, एन की वैल्यू आपको पता है यहाँ 2 kg हो जाएगा। अगर इसका एफ बी डी बनाते हैं 2 kg ब्लॉक का, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ 2 × g, और इसको नॉर्मल ऊपर लग रहा है, यानी नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास में 2g हो गया, तो 0.5 × 2g कितना आ गया? 10 N, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ? 10 N। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, मैंने आपको जैसे कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ाया वैसा ही आए, मैंने दोनों को साथ में मूव करवा दिया, दोनों का एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों हम क्या समझ रहे हैं कि दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर, तो आ गया। अब उस ए एक्सेलरेशन आ गया 24 = 6 8 4 m/s². ए का एफ बी डी बनाया मैंने, ए का जब एफ बी डी बनाया तो आप देख रहे हो कि फोर्स हमने किस पर लगाया है? बी पर, 4 kg ब्लॉक पर, आगे किधर? राइट साइड में। इसकी टेंडेंसी है ना आगे जाने की, तो इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसको पीछे लगेगा, तो ब्लॉक ए को किधर लगेगा? आगे लगेगा। तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मैंने मान लिया एफ एस है। एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 2 kg × 4, F इक्वल टू ma लिखोगे नहीं आप? तो वो कितना आ रहा? 8 N। आप देख रहे हो कि वो किससे कम आ रहा है? किससे? 10 N से, क्योंकि एफ एस की वैल्यू 0 और 10 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं, तो दोनों आंसर हो गए ना हमारे। तो एक आंसर तो ये हो गया 4 m/s², और दूसरा आंसर क्या हो गया? दोनों के बीच में फ्रिक्शन, क्योंकि वो भी चाहिए था अपने को, वो कितना आ गया है? तो वो मिल गया अपने को 8 N। ये समझ में आया अभी? Yes, sir. So, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, ओके? एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं भी, ये लिख लो पहले, हाँ ये लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं भी। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, एक मिनट।
हो गया सर। नहीं सर। सर मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से फ्रिक्शन का वैल्यू कम रहेगा तो एक साथ जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, देखो ना आप खुद ही सोचो ना, ये तो बात हुई थी हमारी। अच्छा नहीं अभी क्लियर हो गया। अभी अभी और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ ना मैं, फिर आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही है लेकिन इसमें फोर्स जो है वो कर देता हूं मैं 36। ये हमारे पास में वैल्यूज गिवन है ना, म्यू के, म्यू एस, जी, दोनों ब्लॉक का मास और बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जीरो है। इसमें भी वही, फाइंड दी एक्सेलरेशंस ऑफ दी ब्लॉक्स ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड the friction force between the blocks. Okay. तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या करना है, साथ में मुंह करवा देना है। क्या करवा देना है, साथ में मुंह करवाना है, यानी दोनों साथ में चल रहे तो है ना, both are moving together. कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि बोथ आर मूविंग टुगेदर। अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये 2 kg ब्लॉक, ये 4 kg ब्लॉक, ये ए और ये बी, तो हमने यहाँ सॉरी हमने यहाँ जो फोर्स अप्लाई किया है 36 न्यूटन, दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन ए, तो क्या लिखेंगे 36 इक्वल टू 6 × a, a इक्वल टू कितना आ गया 6 m/s². ओके, अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर है। अब एफ बी डी ऑफ ए, तो आप देख रहे हो कि ए को फोर्स किधर लग रहा है, आगे लग रहा होगा एफ एस, है ना। और हमें हम ये पहले निकाल ले चुके कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो यहाँ से होगा, मतलब 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा होगा, ये बात हो चुकी है क्योंकि सेम वैल्यूज है वहाँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये 2 kg ब्लॉक है, ये कितने से आ रहा आगे, ए इक्वल टू 6 m/s² से जा रहा है, एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे एम ए, यानी 2 × 6 कितना आ रहा, 12 न्यूटन। आपको लगता है 12 न्यूटन हो सकता है भाई, मैक्सिमम तो 10 न्यूटन ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, सिंस एफ ए बी मैक्स इज 10 न्यूटन, मैक्स इज 10 न्यूटन, इट मींस बोथ आर not moving together, तो दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा। अब पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल लो, कितनी मिलेगी, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू के
म्यू के एन एन होता है, म्यू के कितना है 0.4, एन की वैल्यू कितना निकाला था हमने 2 × g ना, यानी कितना हो गया 8 newton. एफ के की वैल्यू कितनी होगी 10 newton. इसका मतलब है कि इन दोनों का एफबीडी बनाओ, 4 kg है, ये 2 kg है, इसको इधर कितना लग रहा है 36 न्यूटन लगाया है, तो इसको फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, एफ के इक्वल टू 8 newton, तो इसको आगे कितना लगेगा 8 newton इक्वल टू एफ के. इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन ए होगा, A1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 8 newton, तो एक आंसर तो ये आ गया. और 8 newton इक्वल टू क्या लिखोगे 2A1, यानी A1 इक्वल टू हो गया 4 m/s², और इसके लिए क्या लिखोगे 36 - 8 इक्वल टू 4 × A2, यानी कितना हो गया 26 इक्वल टू 4 A2, तो A2 इक्वल टू 13/2 यानी 6.5 m/s². ये आंसर है, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया. मेरे ख्याल से बात अभी समझ में आ गई होगी, ये लिख लो सारा. सर हाँ बोलो सर. यार जैसे ही वो फोर्स 36 न्यूटन लगाना हम चालू करेंगे, दैट एफके लगना चालू होगा ना? हाँ इमीडिएटली हो जाएगा. ओके सर. पर करने का तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ, पहले हमें तो मालूम नहीं था है ना, अगर आपको मालूम था तो फिर तो आप पहले से मान लो, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको ये पता है कि भाई ये आना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू एस एम जी जी एम प्लस 36 से देखो यहाँ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू तभी तो 36 से 30 newton है मैक्सिमम वैल्यू, वहां तक ही साथ में चलेंगे. 30 newton से कम में भी साथ में चलेंगे, 30 newton से जैसे ज्यादा अप्लाई करोगे ये दोनों अलग अलग वो करेंगे. लेकिन मैंने फिर भी ऐसे नहीं समझा, मैंने तो समझा बेसिक से करके दिखाया आपको, कि आप पहले समझ लो कि करना क्या है, क्या कहने का मतलब है यहाँ, ताकि पिक्चर क्लियर हो ना भाई. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन तो कैसे बना सकता है वो. लिख लिया मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर लिख लिया. आप अब ये तो था कि ब्लॉक हमने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाएं तो कॉन्सेप्ट भी वहां भी यही है. चलो क्वेश्चन करते हैं. लिख लिया सबने? लिख लिया ना भाई? हाँ सर लिख लिया. मान लो 4 kg ब्लॉक है, ये 8 kg ब्लॉक है,
ए मान लेता हूँ या बी मान लेता हूँ, या म्यू एस की वैल्यू 0.5 ही है और म्यू के की वैल्यू मैंने 0.4 ही लिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया हुआ है, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ एफ, है ना। मुझे इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि ये साथ में चले। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सो दैट दीज टू ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर। करो इस क्वेश्चन को आप लोग, मैंने आपको आइडिया दे दिया, लगाओ अपनी बुद्धि लगाओ। सर ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में म्यू जीरो ही है ना? हाँ, ग्राउंड के बीच में म्यू जीरो ही है। कितना आया, किसी ने किया? सब कर रहे हैं सर, 30 न्यूटन आ रहा है। अच्छा ये जो था ना 26 नहीं आएगा, ये कितना आएगा? ये 28 आएगा नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया नहीं, वो भी देखा मैंने।
चलो देखो कैसे करेंगे, इतना टाइम थोड़ी लगता है। देखिए दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एफ मैक्स ए बी के बीच में एफ मैक्स कितना होगा, म्यू एस एन होगा, या ए ब्लॉक का एबीडी बनाओ आप, डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको 4g, वर्टिकली क्या लग रहा है नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 4 × g ना, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 × 4 × 10, कितना आ गया 20 न्यूटन आ जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 20 न्यूटन और जीरो के बीच में क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है, क्लियर। हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी दोनों को साथ में चला रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ ए होगा, मैंने मान लिया दोनों का एक्सेलरेशन क्या है यहाँ ए होगा, तो क्या हो गया एफ इक्वल टू 4 + 4 + 8 × a है ना, और ये तो आ गया हमारे पास में, यानी यहाँ से a की वैल्यू मिल गई मुझे f by 12, ये इक्वेशन नंबर 1। अब एफ बी डी ऑफ a बनाओ, तो a का जब एफ बी डी बनाएंगे तो आप देख रहे हो कि एक पर हमने फोर्स अप्लाई किया तो पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, क्योंकि एक ही टेंडेंसी आगे जाने की है, क्योंकि फोर्स हमने इस पर एफ लगाया है, तो ए को पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए और बी को किधर लगना चाहिए आगे, तभी तो ब्लॉक बी आगे की तरफ जाएगा, अदरवाइज जाएगा क्यों, क्योंकि इस पर तो फोर्स लगाया नहीं था आपने, तो इस पर इधर लगना चाहिए, या तो इसी क्वेश्चन को ले लो या इसको ले लो कोई बात नहीं, चलो ये ले लो। ऐसा करते हैं एफ बी डी ऑफ ए एंड बी बनाया ना हमने, तो बेस्ट पार्ट है कि मैं बी को ले लूं, कम सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, एफ बी डी ऑफ ए एंड बी, तो इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है, ए क्या लिखोगे एफ एस इक्वल टू 8 × a, और एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, यानी ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी 20 होना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 20, ए की वैल्यू वहां से रख देंगे 8 × f/12 < = 20, तो आप देखो कि ये फोर्थ से कितनी बार गया 2, और ये फोर्थ से 3, और ये 2 से कितना हो जाएगा 10, तो आप देख रहे हो कि f लेस देन इक्वल टू कितना रहा 30 न्यूटन, इसका मतलब हुआ f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। तो ये आंसर आना चाहिए, बात समझ में आई? हाँ सर। भाई सबको क्लियर है ना, ये कैसे करना है, कुछ लोगों का जवाब ही नहीं आता है क्या है। यस सर, समझा, समझ में आ रहा है ना भाई सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। आदित्य भाटिया सुन में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। यस सर। चलो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करने हैं आपको, आपके बुकलेट पे चले जाइए आप लोग, बुकलेट में आपके इन क्वेश्चंस पर आइए आप, ये लिखा आपके टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स लिखा है बुकलेट में? हाँ सर है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा हो? 27। तो 27 से लेकर और ये कहाँ तक जा रहा है, ये लास्ट का क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट का क्वेश्चन है क्या, इन द फिगर गिवन बिलो फोर्स एफ इज अप्लाइड, ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ सर। तो ये छोड़ के, ये मेरे ख्याल से कौन से नंबर का, 32 है ना ये? हाँ सर। हाँ तो इसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन करो 31 तक। हाँ 27 से लेकर 31 तक। यस
ये सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आपको, कोशिश करो बन जाए, सीखने को मिलेगा आपको ये। चलिए 27 करते हैं पहले। कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर इज शोन इन द फिगर। तो हमारे पास में ये दिया हुआ है, ये 10 केजी ब्लॉक है ए, ये बी, ये भी 10 केजी ब्लॉक है, और यहाँ जो म्यू के और म्यू एस दोनों सेम ही दिया इसने, वो 0.5 है, और यहाँ ये म्यू जो दिया ये जीरो है, और यहाँ जो फोर्स एफ लगा रहा है वो 50 न्यूटन है। जी की वैल्यू यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसने कहा फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स चाहिए, है ना। द सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आर एज शोन इन द फिगर, ये भी दे दिया इसने। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग कि पहले एफ ए बी मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होगी म्यू इनटू एन, म्यू कितना है 0.5, एन कैसे निकालेंगे यहाँ से निकालेंगे, ये ए ब्लॉक का 10, ये 10 के जी ब्लॉक है, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको 10 जी लग रहा है,
यहाँ एन की वैल्यू क्या है यहाँ, टेन इंटू जी इंटू टेन इंटू जी, यानी कितना हो गया, फाइव इंटू टेन यानी 50 न्यूटन आ गया. ओके तो 50 न्यूटन तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है. तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले दोनों को साथ में मूव करा देंगे. तो दोनों को साथ में मूव करा देंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ, ये डायरेक्शन में राइट साइड में ए होगा. तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, 50 इक्वल टू 20 इंटू ए. तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इनका एबीडी बनाओ. तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी, क्योंकि यहाँ अगर एफ एस की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 न्यूटन, इसके बीच अगर आती है तो ये साथ में रहेंगे और अगर नहीं आती है तो ये साथ में नहीं रहेंगे. तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, एबीडी बनाओ. तो यहाँ देखो बी ब्लॉक को, बी ब्लॉक क्योंकि इस पर फोर्स आपने इधर लगाया है ना, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन, तो इसको फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, इसको आगे लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन अपने हमने निकाल ही लिया कितना है, क्योंकि साथ में चलता हुआ माना ना हम लोगों ने. तो ये ए दिया हुआ, तो क्या लिखोगे इसके लिए, एफ एस इक्वल टू इसका मास 10 kg इंटू ए. तो 10 इंटू 5/2 तो कितना आ रहा, देखो यहाँ ये आ गया इससे कितनी बार 5, तो एफ एस की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 न्यूटन. आप देखो कि एफ एस की वैल्यू 25 आ रही, यानी 50 न्यूटन से कम है, इसका मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं. तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ, यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया. यही आंसर है. अभी समझ में आया? यस सर. तो यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, वही कॉन्सेप्ट अब आप 26 के लिए लगाओ, सेम वैसे करना जैसे इसमें बताया है, ठीक है ना, सेम वही करना है, कुछ नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है. लेकिन चलो बताता हूँ मैं, 28 बताना है तो 27 था, 28 का भी देख लेते हैं, बता देता हूँ. चलो मैं तो 28 में क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है यहाँ 10 केजी का ब्लॉक है, टेन केजी है, ये भी 10 केजी है, ये ए और ये बी है. यहाँ फोर्स कितना लगा है इसने, एफ इक्वल टू 101 न्यूटन. यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, जीरो है. यहाँ म्यू की वैल्यू कितना दिया है इसने, 0.5 है. ओके चलो वापस से वही, पहले एफ मैक्स तो ऊपर निकाल ही लिया था हमने ए बी के बीच में, सेम वही तो क्वेश्चन है, कितना आया था वो, 50 न्यूटन आया था. यानी यहाँ एफ एस की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन और जीरो के बीच में होना चाहिए, तभी ये साथ में चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे. तो मैंने मान लिया साथ में चल रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए. तो क्या लिखोगे, 101 इक्वल टू 10+10 इंटू ए. ए इक्वल टू कितना आ गया, 101/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ब्लॉक बी को देखो, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, एफ एस. और इसका एक्सेलरेशन अभी हमने देख ही लिया कि ऊपर ए है, इसका मास कितना है, 10 केजी है. तो एफ एस इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 इंटू ए, कितना आ गया, 10 इंटू 101/20. तो आप देख रहे हो कि 101/2 यानी कितना आ गया, ये आ गया 50.5 न्यूटन. आप देख रहे हो कि एफ एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी, 50 न्यूटन, उससे ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब क्या बताया था कि बोथ आर नॉट मूविंग, आ रही बात सुन में. तो सिंस एफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एस इज 50 न्यूटन, देयरफॉर बोथ आर not moving together, not moving together. ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको,
इसका मतलब अलग अलग चल रहे हैं, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो आप देख रहे हो कि यही क्या हो जाएगा यहाँ, जो हमारे पास एफ ए बी मैक्स आया है वही तो हमारे पास एफ के भी हो गया। क्यों? क्योंकि म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सेम है, कितना हो गया 15 न्यूटन। तो दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ देखो इस पर फोर्स कितना है 101 न्यूटन, इसको पीछे की तरफ क्या लगेगा 15 न्यूटन क्योंकि स्लाइडिंग हो गई स्टार्ट, इस पर आगे कितना लगेगा 15 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ ए वन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा ए टू। तो 101 माइनस 50 इक्वल टू 10 इंटू ए वन कितना हो गया है, यानी 51 इक्वल टू 10 इंटू ए वन, तो ए वन इक्वल टू कितना आ गया 5.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके लिए क्या लिखोगे 50 इक्वल टू 10 इंटू ए टू क्योंकि इसका मास भी वही है 10 केजी, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आंसर्स हुए इनके, बात समझ में आई? अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। लिख लो इसको, दोनों क्वेश्चन को लिख लो। लिख लिया? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना? क्वेश्चन नंबर 27 लिख लिया सबने? हाँ सर लिख लिया। 28 भी लिख लीजिए फिर। फिर 29 बताता हूँ मैं, 29 में क्या कह रहा है। तो 29 कर ही सकते हो, आइडिया लग गया ना, आप करिएगा इसको, हो जाएगा। तो ये टॉपिक तो आपका हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज 1 और 3 डिस्कस करूंगा। चलो फिर आज इतना ही है ना, लिख लिया क्वेश्चन नंबर 28 भी? यस सर। यस सर। ठीक है तो फिर आज इतना ही करेंगे ना, क्योंकि टॉपिक हमारा हो ही गया, नया टॉपिक आप तो क्या 15 मिनट में क्या शो करूंगा मैं, है ना। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। नोट्स भेज दूंगा मैं आप लोगों को।